एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक इन्होंने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी मूल मुद्दों को लेकर दरकिनार कर रही है। ऐसी बातचीत विधान भवन परिसर में इनबीसीएन के समक्ष की है। आइए डालते हैं एक नजर एक्सक्लूसिव खबर पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समय में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताए कि जिस प्रकार से आज पहला दिन जो हो रहा है सावरकर को लेकर हो रहा है, इसके बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छटपटाहट में है। 5 साल में किए हुए भ्रष्टाचार से उन्हें डर लग रहा है। शिवाजी महाराज के स्मारक में पैसे खाए गए, उसकी जांच होगी, उद्धव जी ने कल बोला, तो घबराहट में इस तरह से सावरकर जी का मामला लाया जा रहा है। लेकिन वो सारे नियमों से अवगत है, उन्हें पता है कि जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके नाम पर चर्चा नहीं हो सकती। हफ्ता भर ये हम आंदोलन करेंगे, इस तरह से बीजेपी के विरोधी पक्ष नेता कह रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी, वो कुछ भी करें। हम लक्ष्यवेधी सूचना के माध्यम से विषय को लाएंगे, इंक्वायरी कराएंगे और हम महाराष्ट्र की जनता के सामने इनके किए हुए सारे कामों को सामने लाएंगे, भ्रष्टाचार को खोलेंगे। इनका जब छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं छोड़ते तो कितना महाराष्ट्र को लूटा है लोगों को पता चलेगा। सर, बेरोजगारी का जहाँ प्रश्न है और किसानों की आत्महत्या का जो प्रश्न है, वो जो मूल प्रश्न है उसको कहीं ना कहीं बगल देने का काम होने जा रहा है? नहीं, देखिए, हमने शिवसेना ने कांग्रेस ने तीनों पार्टियों ने किसानों को कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था और हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो चीज़ें हैं, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। साथ ही साथ बेरोजगारी को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानिक नौकरियों में भूमि पुत्रों को जो महाराष्ट्र के हैं उनको प्राथमिकता मिले, 80% काम मिले, ऐसा कानून बनाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ योजनाओं पे काम हो रहा है जिससे 70,000 जो आसामियाँ खाली हैं वो भरने का काम किया जाएगा। कुछ योजनाओं पे काम चल रहा है जिससे रोजगार बढ़े महाराष्ट्र में। पूरी तरह से सरकार उस दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल, सरकार उस दिशा में काम कर रही है और बहुत जल्द सरकार और भी कुछ काम करना चाहती है, लेकिन आज पहला दिन और जिस प्रकार से सावरकर को लेकर जो तीखे आलोचना और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू है उसमें बाकी के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उसको बगल देने का काम तो नहीं हो रहा है, ऐसा भी एक बात यहाँ पे की जा रही है। विधान भवन से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।